जराइम के खात्मे के लिए पुलिस की कार्रवाइयां। थाना तैमूरिया की हदूद में मुबैना मुकाबले में दो मुलजिमान गिरफ्तार, असलहा बरामद, मुकदमा भी दर्ज। सुल्तानाबाद में पुलिस का कॉम्बिंग ऑपरेशन, मुश्तबा अफराद की चेकिंग। कोर्ट कासिम ऑयल डिपो के करीब ट्रैफिक हादसा, गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार बाप बेटा जा बहक। आईजी सिंह का होम डिस्ट्रिक्ट एसएचओ को हटाने का हुक्म। स्टेशन हाउस अफसर अपने रिहायशी जिला में तैनात नहीं हो सकता, तमाम एसएचओ की तैनातियों को चेक करने की हिदायत। फौरी तबादले के अहकाम, 10 रोज में रिपोर्ट तलब। अवामी मकामात पर तजावुजात नाकाबिले बर्दाश्त। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह का शहर से तजावुजात खत्म करने का हुक्म। जिम्मेदारान को अवामी मकामात असल शक्ल में बहाल करने का टास्क दे दिया। तारिक रोड लियाकताबाद एम ए जिनाह रोड से तजावुजात के खात्मे के लिए सई गनी की सरबराही में कमेटी कायम। गैर कानूनी पार्किंग बर्दाश्त न करने का ऐलान। सड़कों की खुदाई का निजाम बेहतर करने का फैसला। कराची को महफूज तरीन शहर बनाने के लिए पुलिस को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। पुलिस लाइन्स, थानों, जुलूसों के रूट्स पर कैमरे लगेंगे। वज़ीर दाखिला ने ड्रोन्स और कैमरों की फराहमी के लिए सिफारिशात मांग ली। सिफारिशात पर अगले माली साल के बजट में मंजूरी ली जाएगी। जियाउल हसन लंजार का बेहतर और मौसर नतज के लिए CPLC को अपग्रेड करने का हुक्म। CPLC का दौरा, अपग्रेडेड कॉल सेंटर का अफ्ताह किया। CPLC चीफ ने ब्रीफिंग दी। खवातीन और सहाफियों पर तशद्दुद, तहकीकाती टीम की इंक्वायरी शुरू। DIG स्पेशल ब्रांच की सरबराही में कमेटी का वाकई के हर पहलू से जायजा। DIG साउथ ऑफिस में मौजूद कंट्रोल रूम का भी जायजा लिया जाएगा। मामले के आगाज से खत्म तक की फुटेजेस देखी जाएंगी। DIG साउथ ड्यूटी पर मौजूद अफसरान का बयान भी लिया जाएगा। डिविजनल इंटेलिजेंस ब्रांच से भी पूछताछ की जाएगी। तहकीकाती टीम 5 रोज में IG को रिपोर्ट पेश करेगी। बिलावल भुट्टो की सियासी फहमो फरासत, मौलाना को राम कर लिया। बड़ी आईनी तरमीम पर बड़े शहर में बड़ी मुलाकात, बड़ा ब्रेक थ्रू। पीपल्स पार्टी और JUI का 26वीं आईनी तरमीम के नए मुसविदे पर इत्तफाक। आज लाहौर में बैठक लगेगी। मुश्तरका मुसविदा नवाज शरीफ को पेश किया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी नवाज शरीफ से इत्तफाक राय के लिए भी पुरउम्मीद। कहा, मौलाना की ख्वाहिश है PTI के साथ भी इत्तफाक हो जाए। सिंध हुकूमत शहरियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी के लिए कोशा। वज़ीर सेहत अस्पतालों में जदीद सहूलियात की फराहमी के लिए पुरअज़्म। MQM के अरकानी ने सिंध असेंबली की। वज़ीर सेहत डॉक्टर अरसा पीचोहो से मुलाकात। सरकारी अस्पतालों में इलाज की सहूलियात मजीद बेहतर करने से मुतालिक तबादले ख्याल। सूबाई वज़ीर सेहत की MQM वफ़द को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कराची में टैंकर माफिया इंसानी जिंदगियों से खेलने लगा। माफिया हब के नाल से बगैर फिल्टर पानी चोरी करके बेचने लगा। वेस्ट के इलाकों में नहर से भरे टैंकर्स की फरोख्त आम। बगैर फिल्टर क्लोरीन मिला पानी इंसानी जानों के लिए इंतहाई खतरनाक। केनाल से हब पंपिंग को 60 मिलियन गैलन पानी फराहम किया जाता है। गैर कानूनी तामीरात के खात्मे कमीशन, डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल की जेर सदारत ऑपरेशन का जायजा इजलास। एक माह से जारी कार्रवाइयों का जायजा लिया गया। नाजिमाबाद और लियाकताबाद में तरजीही बुनियादों पर ऑपरेशन जारी है। डायरेक्टर डिमोलिशन अब्दुल सज्जाद की ब्रीफिंग। SSP सेंट्रल ने खबरदार किया, गैर कानूनी तामीरात में बड़ा माफिया मुलविस है। CT21 की खबर पर फौरी एक्शन। काले शीशे वाली गाड़ियों और फैंसी नंबर प्लेट्स के खिलाफ मुहिम तेज। मेट्रोपोल पर गाड़ियों की चेकिंग, बगैर परमिट वाली गाड़ियों के काले शीशे उतार दिए गए, चालान भी किए गए। सिंध हुकूमत का DIG मुनीर अहमद शेख की खिदमत वापस लेने का फैसला। मुनीर अहमद शेख की खिदमत बलोचिस्तान हुकूमत के सुपुर्द है। वफाकी एस्टैब्लिशमेंट खिदमत सिंध हुकूमत के सुपुर्द करेगी। ज़िमनी बलदियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला। जिला साउथ UC 13 में चेयरमैन की नशस्त के लिए 13 उम्मीदवारों की स्क्रूटनी। वसी UC 5 गुलबर्ग में वाइस चेयरमैन के लिए 11 उम्मीदवारों की स्क्रूटनी मुकम्मल। स्क्रूटनी का अमल आज भी जारी रहेगा।
बुकला कन्वेंशन में फिर बदनस्मी, बुकला का एहतजाज, शदीद नारेबाजी। जनरल सेक्रेटरी पीपल्स लॉयर्स फोरम एजाज सोमरो ने वासी किया, पार्लियामेंट के खिलाफ कोई बात कबूल नहीं। बुकला का प्लेटफॉर्म सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जनरल सेक्रेटरी बार इख्तियार अली चन्ना बोले, यहाँ कोई फॉर्म 45 या 47 की बात नहीं करेगा। केबल ऑपरेटर्स शहर को खूबसूरत बनाने में पेश, केबल अंडरग्राउंड करने के लिए तमाम अखराजात खुद उठाने का ऐलान। खाली तराई की बगैर नोटिस तार काटने की मजम्मत, कहा सिटी वार्डन्स का काम तारे काटना और गाड़ियां जब्त करना नहीं, मसाइल हल न होने पर केबल ऑपरेशन रोकने की धमकी दे दी। सुप्रिंटेंडेंट प्राइवेट सेक्रेटरीज और मुख्तियारों को तरक्कियां देने का फैसला, तरक्कियां सीनियरिटी के लिहाज से दी जाएंगी। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी कायम। कमेटी में सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बकाउल्ला, चेयरमैन तरक्की मनसूबा बंदी नजम शाह शामिल, सेक्रेटरी सर्विसेज गुलाम अली बरहमानी, एडिशनल सेक्रेटरी आगा शेर समान भी बतौर मेंबर शामिल। इंटर बोर्ड जनरल साइंस इम्तिहानात में भी लड़कियां बाजी ले गईं। मनीहा नूर की 998 नंबर्स के साथ पहली, मरियम रसूल की 988 नंबर लेकर दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन लेने वाले अब्दुल्ला चौधरी ने 980 नंबर हासिल किए। इम्तिहानात में कामयाबी का तनासुब 48.93% रहा। नतायज बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए। और इमर्जिंग T20 एशिया कप, पाकिस्तान शाहीन टीम शिरकत के लिए कराची से ओमान रवाना। पाकिस्तानी स्क्वाड की कयादत मोहम्मद हारिस कर रहे हैं। पाकिस्तान अपना पहला मैच इंडिया ए के खिलाफ 19 अक्टूबर को खेलेगा। ओमान के साथ 21 अक्टूबर, यूएई के साथ 23 अक्टूबर को मैच शेड्यूल। दोनों सेमीफाइनल 25 अक्टूबर, फाइनल 26 अक्टूबर को खेला जाएगा।